कांग्रेस पार्टी से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई सीनियर लीडर्स ने जो है वो पार्टी हाईकमांड को जो है वो रेजिग्नेशन सबमिट किया है। पार्टी पोस्ट से जो है वो कई सीनियर लीडर जिसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी, नरेश गुप्ता जो MLC रहे, वकार रसूल जो साबका मिनिस्टर रहे, जो गुलाम मोहम्मद सरूरी इस वक्त JKPCC के वाइस प्रेजिडेंट है, और काफी जो सीनियर लोग हैं जो पार्टी से कई सालों से जुड़े हैं, उन्होंने पार्टी हाईकमांड को जो है पार्टी पोस्ट से रिजाइन भेजा है। आजकल गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और बहुत कद्दावर नेता है पूरे हिंदुस्तान में, आज चिनाब वैली के दौरे पे है, और अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या जो कांग्रेस हाईकमांड है जो जम्मू कश्मीर में उनको कोई उम्मीदें थी आजाद या आजाद के ग्रुप से, अब वो उम्मीदें जो है वो खत्म हो रही है। क्या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी वैसे ही अब कांग्रेस भी टूटेगी, और क्या जो ये कांग्रेस के लोग है ये नई पार्टी की तरफ रुख करेंगे या उसी पार्टी में रहेगी, और ये हमें अब देखना होगा कि क्या जो है गुलाम नबी आजाद का ग्रुप जो है वो पार्टी हाईकमांड पर प्रेशर डाल पाएगा, क्या पार्टी हाईकमांड गुलाम अहमद मीर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट के जो है वो JKPCC के प्रेसिडेंट है क्या उनको हटाएगी, अब ये जो है वो आइंदा आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा। लेकिन इस वक्त जो गुलाम नबी आजाद का ग्रुप है वो इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ शो करने में जो है वो जुटा हुआ है। बहनाल के बाद जो है वो आज ठाठरी में जो है वो एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है गुलाम नबी आजाद का, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, आजाद लॉयलिस्ट का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ये गुलाम नबी आजाद की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है। इस वक्त काफी हजारों की तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अब देखना होगा कि इन जलसों के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स किस तरफ जो है वो रुख लेती है। जो स्टेज पे कुर्सियां लगी हैं ये हमारे बाहर के मेहमानों के लिए हैं, तो हमारे जिला के कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं ये उनका ही प्रोग्राम है। हम सब की शान है कि हम ये मैं यूथ के लड़कों से गुजारिश करूंगा, शिबीर साहब शिबीर खान साहब वहां बैठे, ये खान साहब के लिए जगह छोड़े हैं, एक ये तार ठाठरी में जो आजाद लॉयलिस्ट का आज जो जलसा हुआ इसमें तो काफी लोग जो है वो
शामिल हुए। इस जलसे से कांग्रेस के जो आज़ाद ग्रुप के जो लॉयलिस्ट है, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले पार्टी ओदू से जो है वो रिज़ाइन दिया है, उससे दो चीज़ें जो है वो हासिल की। एक तो वो जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है उसको एक ललकार यहाँ से दी कि गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो जम्मू कश्मीर का ओवरऑल इंचार्ज बनाया जाए और उनको चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट जो है वो बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने आज जो है यहाँ से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो शो किया। दूसरी तरफ जो यहाँ की जो कांग्रेस लीडरशिप है, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को भी जो है वो चैलेंज किया, जो आज़ाद साहब है उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि वो जो यहाँ पर जो बेदखली हो रही है लोगों की ज़मीनों से, वो जो है वो गैर इखलाकी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट कानून की खिलाफ वर्जी है। और साथ में उन्होंने जो है बीजेपी को इस बात के लिए भी लताड़ा कि वो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई को आपस में लड़ाकर जो है वो वोट हासिल करना चाहते हैं। और आज़ाद ने साफ ललकार में बीजेपी को कहा कि अब उनका ये पैंतरा जो है वो चलने वाला नहीं है। अब आगे चलकर ये देखना है कि क्या जम्मू कश्मीर कांग्रेस की भी जो पंजाब कांग्रेस की हालत हुई है उसी तरह से हालात होंगे, और इसमें कौन जो है वो बाजी जीतेगा। जिस तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो सिद्धू के सामने हार गए, क्या यहाँ पर गुलाम अहमद मीर और जो कांग्रेस की लीडरशिप है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, क्या वो गुलाम नबी आज़ाद के सामने घुटने टेकेंगे और आज़ाद को जो है वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, और क्या JKPCC चीफ गुलाम अहमद मीर जो है वो आगे आने वाले दिनों में जो है वो बदले जाएंगे कि नहीं। मैं आसिफ नायक, आज़ाद के ठाठरी जलसे से।